नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ और इस वक्त हमारे साथ हैं गणेश जी। इनसे हम जानेंगे कि पंचायती चुनाव को लेकर सहगर्मी काफ़ी तेज है और चुनाव हो रहा है। जिला परिषद के लिए हिलसा अनुमंडल में नामांकन भी हो रहा है। बताइए, क्या कहेंगे पंचायती चुनाव पर? पंचायती चुनाव जो हो रहा है, जो प्रथम मतदान केंद्र जो प्रथम जो चरण का जो चुनाव हुआ, उसमें देखा गया जो पूर्व से जो पहले से प्रत्याशी जो जीतते आ रहे थे, उसमें 20% ही प्रत्याशी जीत कर आए। जो नए चेहरा जो आए हैं चुनकर, वो 40 के उम्र के पहले का है। जो यह सबसे बड़ा आत्मबल मतदाता का जो निर्णय है, वो सबसे बहुत बढ़िया है। जो आगे जाकर अपने क्षेत्र का विकास के लिए जो मत का प्रयोग किए और वो अपने सफल उम्मीदवार को चुने हैं, कुछ सोच समझ कर चुने हैं। इसलिए आप जनता से भी आग्रह है कि अपने पूर्व जो हैं और अभी वर्तमान का जो भी प्रत्याशी हैं, वो सोच समझ कर अपना मत का प्रयोग करें, कि ताकि आप अपना भविष्य 5 साल के लिए जो चुनने जा रहे हैं, उसमें आपका आपके ऊपर खरा उतरते हैं, आपके पंचायत के ऊपर खरा उतरते हैं या नहीं, ये सब सोच समझ कर ही वोटिंग करें। यही मेरा उद्देश्य है। और जनता के बीच में जो भी प्रत्याशी जाते हैं, उनसे भी समझ है कि हमारे लायक कौन प्रत्याशी अच्छा है, और उस पर ही सोच समझ कर वोटिंग करें। यही आप अपना वोट का महत्व समझें, और एक एक वोट का महत्व आपका भविष्य का, आपका क्षेत्र का, आपका विकास का योगदान देगा। यही कहकर मैं अपनी बात हम जानना आपसे चाह रहे हैं कि अभी पंचायत में चुनाव है, हिलसा नगर परिषद है, गांव में और शहर में क्या लग रहा है चुनाव का? सर देखिए, पंचायत चुनाव जो होता है, एक पंचायत में है कि एक समूह के नज़दीक लोग एकत्रित होकर अपने फैसला को, अपने मतदार को एक दूसरे को शेयर करते हैं। जो ग्रामीण इलाका में ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ के लोग अगर एक प्रत्याशी अगर एक जगह खड़ा हो जाते हैं, तो लोग वहाँ के गाँव के लोग निकल कर उस प्रत्याशी के नज़दीक पहुँच जाते हैं और उनका हाल चाल समझ जाते हैं। उसी जगह भ्रमण करने से, वो गली गली भ्रमण करने से है कि उसका एक चौपाल एक तरह से बनाया जाता है, या कोई मुखिया हो या पूर्व मुखिया हो या समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, उनके नज़दीक बैठकर सभी को एक जगह बुलाकर अपना जो विचार है वो व्यक्त करते हैं। इससे है कि पंचायत का एक जगह समूह बनकर सबका प्रत्याशी का सुझाव से। अभी अनुमंडल में जिला परिषद के लिए नामांकन हो रहा है। ये देखिए, हिलसा एक अनुमंडल है। जो हिलसा अनुमंडल में प्रखंड जो भी है, जैसे इस्लामपुर प्रखंड या इस्लामपुर प्रखंड का जो इस्लामपुर क्षेत्र का जिला परिषद का जो नामांकन हो रहा है हिलसा अनुमंडल में, वो अभी जारी है। और ये लगभग इस प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाता अपने भविष्य का फैसला अपने खुद करेंगे और अपने प्रत्याशी को अच्छे रूप से चुने, ताकि आगे जाकर अपना मत का प्रयोग सही ढंग से करें, कि ताकि आपका क्षेत्र में विकास हो। क्या लग रहा है अभी तक, चुनाव जो हो रहा है शांतिपूर्ण हो रहा है? ये तो अभी तक तो शांतिपूर्ण ही चुनाव हो रहा है। और वोटिंग जो देखा गया है, जो आधार कार्ड से लिंक के आधार पर जो हो रहा है, जो फिंगरप्रिंट जो लगाया जाता है, और उसमें नकल करने वालों पर पाबंदी लग रहा है। ये बहुत बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो नकल पर रोक लग गया है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि नकलचियों का अब बोलबाला नहीं रहेगा। जो समाज के प्रति, विकास के प्रति और एकजुटता के प्रति, सहनशीलता के प्रति एक होकर समाज के प्रति विकास करने का उसका उद्देश्य रहेगा, उसी को मतदाता